हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ही बहुत अच्छे हैं, मस्त है। मैं पी रही हूँ सुबह सुबह की चाय अपनी। एक्चुअली आज हमने बहुत अच्छी नींद ली है, बहुत फ्रेश फ्रेश उठे हैं, क्योंकि जियाना रात में रोई नहीं थी उठ के, थोड़ा सा उठी थी कि बिट्टू दी और देवी दी ने उठ के उनको दूध वगैरह जो भी वो पिलाते उन्होंने पिला दिया था, तो मेरा उठना हुआ नहीं रात में, तो बहुत अच्छी सी एक नींद ली है। अभी दीदी और जियाना वापस हो गए हैं और मैं और देवी दीदी जगे हैं, तो मैंने और दीदी ने अपनी चाय बना ली है। हम तो अपनी चाय लेके बैठे हैं, सुबह सुबह चाय पियेंगे, उसके बाद में करेंगे दिन की शुरुआत, करेंगे दिन के काम। और बस आप लोगों को एक बात बतानी थी कि मैंने मंदिर को वॉल पे फिक्स कर लिया है, थोड़ा टाइम पहले ही कर लिया था मैंने, बट आज मैं उसमें भगवान जी शिफ्ट करने वाली हूँ। किचन से, किचन का ये वाला एरिया जो पीछे वाला एरिया है वो खाली हो जाएगा, तो मैं गैस यहाँ खिड़की के पास रखने वाली हूँ, और फिर पूरी रैक एकदम से खाली हो जाएगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो इस तरह से आज मेरा मेन इम्पॉर्टेंट ये काम है। बाहर भीलवाड़ा में मौसम बहुत ज़्यादा ही औसम हो रहा है, दो दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि पूछो मत, रुक ही नहीं रही है, अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है। शायद मैं दिखाऊंगी आपको, हल्की हल्की सी, हल्की एकदम बूंदे जो बालों पर से वाइट वाइट चिपक जाती है ना, वो वाली बूंदे बरस रही है, अब थोड़ी तेज़ हो रही है। तो बारिश हो रही है और बड़े मुश्किल है बारिश में ये कि कपड़े नहीं सूख रहे हमारे, तो फिर भी चलो हम नॉर्मल, मुझे दीदी को हमें तो उतना नहीं चाहिए, पर जियाना और चेतन को ज़्यादा कपड़े चाहिए, क्योंकि चेतन ऑफिस जाता है, जियाना को चेंज करने के लिए चाहिए, तो उनके कपड़े थोड़े से मुश्किल से सूख रहे हैं, पर ठीक है, मैनेज कर ले रहे हैं हम लोग, फैन वैन ऑन करके कैसे भी सुखा के मैनेज कर लेते हैं। जियाना के कपड़े तो मोस्टली क्या होता है ना, थोड़े से ड्राई होते हैं, उसके बाद फैन में रखते हैं, फिर उसके कपड़े को हम आयरन कर देते हैं, जिससे वो सूख भी जाते हैं और आयरन भी हो जाते हैं। तो बस ऐसे करके मैनेज कर रहे हैं। और कल के जो आपके कमेंट्स आए उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, आपके इतने प्यारे कमेंट्स, इतने अच्छे, इतने सारे कमेंट्स थे ना, मज़ा आ गया पढ़ के। और क्या था, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, साड़ी सबको बहुत अच्छी लगी। मैंने साड़ी भीलवाड़ा से ली थी, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा साड़ी कहाँ से ली थी, साड़ी मैंने भीलवाड़ा से ली थी, आप लोग कहीं भी पूछ सकते हो, मोतले की साड़ी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। और उसके बाद में बस दिन की शुरुआत करते हैं, एक अच्छे से प्यारे से दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग का दिन कल थोड़ा टफ था तो आज बहुत अच्छा होने वाला है, डोंट वरी, और पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, एक जिंदगी है वो यूं ही गुजर जाएगी, तो चाहे आप दुखी रहो चाहे आप खुश रहो, जिंदगी तो गुजर रही है और वो गुजरेगी, तो दुखी क्यों रहना है, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। वेल, ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा नाश्ता, जिसमें कि मैंने स्प्राउट्स लिए हैं, हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं वो डेली मंगवाती हैं, कहीं से आसपास मिलते हैं शायद, तो उनको मैंने भी बोल दिया कि आंटी मुझे भी मंगवा देना। घर पे बिट्टू थी चेतन नहीं खाते, उनको नहीं पसंद है इतना ज़्यादा, और ना ही देवी दीदी को पसंद है, बट मैं खाती हूँ, एंड बिट्टू दी को भी मैं खिला देती हूँ, ऐसा नहीं है, बट चेतन तो बिल्कुल नहीं खाते। सो मैंने यहाँ पे स्प्राउट्स ले लिए हैं, आप अगर इनमें मेथी दाने ज़्यादा हो, खारा लग रहा हो, तो आप इनको थोड़ा सा बॉयल कर लो, उससे इनका जो मेथी दाने का जो खारापन है वो चला जाता है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी ले सकते हो। फिर मैंने ले लिया क्यूकुम्बर, प्याज और टमाटर और एक नीम, आधा नींबू, और मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है, और लिया है चाट मसाला, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए खाने में, यू नो सुबह सुबह भी एकदम भी फीका फोलर नहीं भाता, तो इसलिए थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए, और इसमें डाल दूँगी नमक, और ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारी वेजीज़ जो मैंने काट करके रखी है वो मैं इसमें कर दूंगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद में जो मसाले हैं वो भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी, और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। तो नींबू डालने के बाद में यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर बहुत 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 हेल्दी होती है, स्पेशली फॉर वुमेन्स, इवन तो सबके लिए होती है, बट अगर आप यू नो लड़की हैं तो आप ज़रूर 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 खाएं। और फिर मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत ज़्यादा चटपटा भी नहीं करना है, तो थोड़ा सा चाट मसाला डालें, एंड उसके बाद में आप डालें नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है, आप जो ब्लैक नमक ना खाना चाहते हो, काला नमक वो डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, और इसको कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। मिक्स करने के बाद में हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है।
हमारी चाय और ये हम और हमारी पार्टी हो रही है। सुबह से ही बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, हाथ पैर आपके गर्म ही नहीं हो रहे, मतलब आप ठंड ऐसे ठिठुर रहे हैं। हम ठिठुर रहे हैं और हम गर्म गर्म चाय पी के थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। कभी गर्म पानी, कभी गर्म टी, सुबह से सब गर्म गर्म पी रहे हैं। तब हमारी चाय की बारी है और सुबह से अंधेरा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिन हुआ ही नहीं है, लाइटें ऑन है पूरे दिन से। सब कुछ एकदम ऐसा हो गया, पूरे घर में सीलन सीलन सी आ गई है, ऐसा लग रहा है सब कुछ गीला गीला सा है। तो कुछ नहीं कर सकते, बारिश का मौसम है भाई, सही है। सो फाइनली आज मंदिर हमारा यहाँ लग चुका है और मैं इसमें शिफ्ट करने जा रही हूँ अपने भगवान जी, जो कि बैंगलोर से हमारे साथ आए हैं। ये मैं इस्कॉन से लाई थी और यहाँ पे मैंने लाल कलर के कपड़ा बिछा दिया है जो मैं नॉर्मली बिछा के रखती हूँ हमेशा। और यहाँ पे हमारे प्रसाद की प्लेट है जो स्पेशली इनकी है, तो ये मैं रख दूंगी इसके अंदर। अभी पूजा करेंगे विराजमान करके, पर उससे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके फ्रेंड भी आ चुके हैं, वो भी मुंबई से यहाँ पर। बिट्टू दी के कान्हा जी भी उनके साथ आए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही थी तो बिट्टू दी को पता था कि कान्हा जी जन्माष्टमी आ रही है, तो वो लेके आए हैं। और इनके दोस्त और ये भी पता है क्या गुनगुना रहे हैं, मुंबई से आया मेरा दोस्त मैं दिखाती हूँ, सो ये आए हैं मुंबई से स्पेशली। मतलब आप उसको कुछ भी बोलो, लेकिन जैसे होता ना, आप जिस चीज़ को जैसे मानते हो वो चीज़ वैसे ही हो जाती है। कि हमारे घर में जन्माष्टमी में दो कान्हा रहेंगे, लड्डू गोपाल भी हमारे पास रहेगा, अगर बिट्टू दिल नहीं आती तो नहीं रहता, पर शायद हमारे किस्मत में था इसलिए आ गए घर पे। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब आप इसको बोलते हो ना कि आप जब मानते हो किसी चीज़ को तो वो वैसी हो जाती है, तो शायद भगवान चाहते थे कि वो हमारे साथ आए, तो वो मुंबई से चल के हमारे पास आ गए यहाँ पे और हमारे साथ रुकेंगे, है ना सुंदर। हमारे कान्हा जी को भी ट्रैवलिंग पसंद है, कहते हैं देखो अपनी बच्ची को लेके जा रही हूँ, मुझे लेके नहीं जाओगी? उन्होंने कहा बिल्कुल लेके जाओगी, चलो मेरे साथ। साउथ घर का इस साइड है, तो ये पानी का जो कलसी है वो यहाँ पे होनी चाहिए हमेशा, प्रसाद और पानी हमेशा होना चाहिए भगवान के पास में। तो मैं क्या करती हूँ यूजुअली, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मैं अगर, वैसे तो मैं रोज़ रोटी बनाती हूँ, तो मैं गाय की रोटी, फिर कृष्ण जी की रोटी, फिर हमारी रोटियाँ बनती है छोटी छोटी। लेकिन जब अगर कभी नहीं हो तो मैं हमेशा मिश्री रखती हूँ पास में, मिश्री के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं ना, वो ला के रखती हूँ। अगर आप नहीं बना रहे हो खाना या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप भगवान को प्रसाद के रूप में मिश्री चढ़ा सकते हो, वहाँ पर मिश्री तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं वही करूँगी, मैं इनको मिश्री का भोग लगाऊँगी। और यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लगा कि ठीक है, दीपक और अगरबत्ती दोनों साथ में रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। मतलब आप, आपके लिए शायद लग रहा होगा कि हाँ ठीक है मंदिर ही सेट किया, पर मेरे अंदर जो खुशी हो रही ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात